सत श्री अकाल जी, मैं हाँ बलविंदर मिट्टी दी मैच तुहाडा स्वागत है। तो अज असी आ गए हाँ पिंड साहोके मालवे का एक पुराना तो इतिहासक पिंड हैगा, जिहड़ा पैंदा कोटकपूरे नूं लहिंदे वालों जाइए तो पंज ग्राई तो खब्बे पासे नूं मलके दे नाल हैगा। इहदे एक पासे बरगाड़ी पैंदा, एक पासे बुरज पैंदा। साहोके पिंड देखण नूं बहुत सधारण जिहा, लेकिन जदों सानूं पता लगदा कि इह पिंड बाबू रजब अली का पिंड है, यानी कि पंजाब के श्रोमणी कमिश्नर का पिंड है, तो इस पिंड का इतिहास बिल्कुल होर दिशा च देखा जान लग जाता है। आओ चलते हैं पिंड साहोके। साहोके पिंड आउंदिया ही जिहड़ियां चीज़ां का पता लग्या कि इत्थों सब तो पुरानी जिहड़ी चीज़ हैगी है वह है दरगाह पीर बाबा रोड़े शाह। बाबा रोड़े शाह बारे जदों मैं पुछया, उहदे इतिहास बारे जाणिया, तो कुछ लोगों ने पिंड के लोगों ने दस्या कि जदों तो इस पिंड का मुढ़ बन्निया, जदों का यह पिंड वसिया, उदों तो लैके हुण तक पीर बाबा रोड़े शाह बारे यही दस्या जाता है कि वह पिंड वसण तो पहला दे फकीर सन, इत्थे उहनां दी मज़ार सीगी। अज असी सब तो पहला दर्शन करांगे पीर बाबा रोड़े शाह दी मज़ार दा, ते लोकां नाल भी गलबात करांगे उहनां दी बरकत बारे, उहनां दी अजमत बारे। आओ चलदे हां। मज़ार ते घूमदिया एक गल चेते आउंदी है, खास तौर पर जदों ती इतिहास चो निकलदे हैगे, पता लगता है कि 47 दी वंड तो पहला इत्थे बहुत सारे मुसलमानों के पिंड सी, मुसलमान कम्युनिटी रहिंदी सी, हसदी वसदी सी, लेकिन 47 दी वंड तो बाद बहुत सारे लोग इत्थों छड्ड के चले गए, बहुत सारा कतलेआम भी होया, वड टुक भी हुई, खून खराबा भी होया, लेकिन पीरां फकीरां ते दरगाहां मज़ारां मकबरे अज भी सानू पिंडां दे विच शहरां दे विच देखण नूं मिलदे आ। रवायत की एक सांझ शायद इन्हों फकीरों के नाते दरवेशां के नाते सांझे रूप से मिलती है। असी इधरले लोगों ने यह मज़ारा ये जिहड़ियां फकीरां दी दरगाह नहीं ढाईया, परले पासे लोगों ने साडे मंदिर और गुरद्वारे नहीं ढाए। मैनू नहीं पता इहदे पिछे कोई डर काम करता है जां कोई शरदा काम करती है, लेकिन एक सांझ की रवायत जी कितें बची रह जांदी है, आने वाली जिहड़ी नस्ल हैगी है वह जदों सवाल पुछती है शायद ये चीज़ां सानू थोड़ा जिहा बचा लगदी है। दरगाह देख के साहोके पिंड घूमदियाँ मैं मिलन जा रहा हाँ महेंद्र सिंह बराड होर, पता लग्या कि बाबू रजब अली होर बहुत नेड़े रहे ने, किसी वेले पाकिस्तान दे विच लाहौर जाके जिथे उन्हों का पिंड सीगा उत्थे उन्हों दो बार मिल चुके ने, और उन्हों दी फैमिली दा, उन्हों दे परिवार दा, उन्हों दे बाकी रिश्तेदारां दे पुत्रां धीआं पोतियां पड़पोतियां दा काफ़ी सारा हाल जानते हैं। बाबू रजब अली दे पिंड घूमने जिवें उन्हां नूं ना मिलां तां मेरे ख्याल च मेरे तो गुस्ताखी होएगी। मैं मिलन जा रहा महेंद्र सिंह बराड़ होरां नूं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। असीं लभदे लभदे इधर नूं आ गए, पता लगे तुसीं ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਬਤਕਾ ਦੇਖਣਾ ਐਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆਓ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ
बाबू साहब जो पता लगया संताली दी वंड च उधर चले गए फिर 65 दे विच मेरे ख्याल च आए कुछ दिन इतने आए से उदो फिर बाद जो आए उदो छेती लड़ाई लग गई तो छेती वापस मुड़ना पिया उदो सारे पिंड घर घर जाके मिल के गए मतलब एडे श्रोमणी कवि एडा वड्डा साडा कविशर एडा वड्डा शायर हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਹੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਰ ਸੀਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਕੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲੇਖਣੀ ਵਾਲੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਆਉਣ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਕਿ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੋ ਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਸੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਬਹਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਓਵਰ ਸੀਰ ਸੀਅਰ ਸਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਹੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ ਰਜ ਵਲੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਦੀ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਗਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਅੱਖ ਮੀਚ ਮੀਚ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਇਹ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ 72 ਕਲਾ ਛੰਦ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਰਚਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ
आ जग विच भुल गया जी गफल तां ज्यादा करया जो बाद अफीम खा गुड़ के कई जन जुड़ के मार दे जकड़ंग पौड़े वड़ दे ओदा ना ना जप दे जी जेड़ा दे वे टुकर करन ना शुकर बुरी कर कर दे पले कम छड़ दे शराबा ने कौम ना सौ रूपाम दे खौरू अथा विच डांगा मार दे चांगा चाण ले सिर ते प्यौआ ने चमला करे करे हंकारिया ना अगे दा फिकर सचे दा जेकर लोभ ने छालिया बंदा किड्डा कमला हो चा चढ़े मरबिया दे कणक पई घर में खिड़े खेत नरमे झाड़ दे झोना पीड़ दे पोना मशीना लगिया करे खंड बन दी पईआं तांगा लगियां जी सकर गुड़ गोरे परे पै बोरे अजे नी मिटदी तरिशना मन दी चौड़ा गेट हवेली दा मकान दो मंजले चवारे संजले चकानू चुगदे पखे जे घुगदे बैठका पक्कियां पका जा थमला करे करे हंकारिया ना अगे दा फिकर सचे दा जिकर लोभ ने छालिया बंदा किड़ा कमला ओ बाबू भुलिया फिरदा सी बाब भुलिया फिरदा सी तना दे चाच वेखदा नाच साज जे बजदे गवैये गजदे म्यौण ना नोट भरे मां चढ़ गया ललकारे मारदा सी मेरे जस कौण आकड़ी धौण करन वाला मैनू वाड़ विच वड़ गया रसियां पैणगियां फड़ू जमराज चिड़ी जो बाज पकड़ गल दबलू हड्डा नू चबलू अड़ोण हो गया मौत दा हमला कद करे हकारा ना अगे दा फिकर सचे दा जेकर लोभ ने छड़ लिया बंदा किड़ा कमला बहुत अच्छे सतंत्र साहब असी खेतों च बैठे हैं बाबू जी ने खेतों बारे भी कुछ लिखा है मैंने पता भी उन्होंने हर चीज़ बारे हाँ उन्होंने कोई विषय छड़े नहीं जी हाँ तो उन्होंने लिखा जी अपना नाम नू सवेरा चंगा संतां नू डेरा चंगा गाऊंगे गा के सुनाऊंगे हाँ जी हाँ जी गा के सुना देना हाँ जी नाम नू सवेरा चंगा सानता नू डेरा चंगा चोर नू हनेरा चंगा जिथे किथे लोका जी ओ जवाई भाई साहू चंगा पुत्र कमाऊ चंगा टब्बर संगाऊ चंगा चढ़ के तो रोक जी एक गोत खेड़ा चंगा खेत लाउणा गेड़ा चंगा जंग दा नवेड़ा चंगा जेकर गणेश मोका जी ओ चौदवी दा चंद चंगा बाबू जी दा छंद चंगा आमदा आनंद चंगा लाउंदा सोहणी तुक जे बहुत अच्छे बाबू जी का छंद चंगा लाउंदा सोहणी तुक जे तुक मतलब समार के मैं समझ गया कली तुक बंदी च नहीं पैना है हां जी ओरी अच्छा हुण मैनूं ये दसो कि जिहड़ा हुण अजकल नवे फिर मौके मिलदे आ गाउण दे हां जी जां पहला नालों घट गया हुण ये काम सुनन वाले भी घट गए ने नहीं जी अच्छा इह मतलब मौके बहुत मिलदे आ हां पर मैं समझदा आ वी हुण जिहड़े कमिश्नर जथे आ हां उहनां नूं आपदा लैवल अज दे सिस्टम के मुताबिक चाहिए मीडिया के नाल जुड़ के हाँ मतलब मीडिया कविशरी नाल नहीं जुड़ रहा हाँ मीडिया कविशरी ने इस करके नहीं जुड़ रहा जी हाँ कविशर जेड़े है उस लेवल तक गा नहीं रहे अच्छा नवे लिखारी भी तो पैदा नहीं हो रहे इस फील्ड च कवित जोड़ने नहीं बहुत जी अच्छा बहुत लिखारी बहुत है सानू जो अं जाने उदो मिलते हैं भी साड़ी कविता गाओ चलो सुखविंदर जी मेरिया दुआवां नाल ने कि साडा विरसा साडी विरासत बची रहे साड़ी मिट्टी चो महक आउंदी रहे जी थैंक यू सो मच मेहरबानी मेरे ख्याल च स्वतंत्र होरां नाल मैं ते गलबात कीती और जिस कविश्री जिस अंदाज नाल सुनी आनंद आ गया लुत्फ आ गया एक गुजरे जमाने दे कुछ बहुत सारे मन दे विच तस्वीर मेरे सामने नक्श हो गई ब्रेक लैने ब्रेक तो बाद बाबू जी के पिंड में खास तौर पर साहू के पिंड में होर घूम फिर के देखा आम लोगों आम पिंड के वसनीकों गलबात करूँगा ब्रेक लैने ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है मैं घूम रहा साहू के पिंड बाबू रजवली के पिंड तो हूँ मैं बैठा खूह ते जिस बारे मैं कह सकता कि खूह ते पानी भरेंदीए मुटियारे नी पानी की घुट पला वांकीए नारे नी खूह पंजाब च खत्म हो गए जिथे मैं बैठा इतने एक पुराना खूह सीगा हूँ यह होर तरह मॉडर्नाइज कर दिता पिंड के किसी पेंटर ने इतने सोहनिया पेंटिंग्स बनाई हुई ने औरतां सवेरे पानी इतों अपने घर लेके जांदियां कपड़े धोंदियां लोग पशुओं को पानी पिलाउंदे इस तों अलावा खूह की एक होर बड़ी वड्डी कीमत सी उह सी इह साडी समाजिक कीमत सवेरे शाम लोग कट्ठे हुंदे
इस बहाने गल्लां तुरदियां पिंड दे विच की हो रहा की वापर रहा किदां दी सियासत चल रही है किहदी किहदे नाल लग गई किहदी किहदे नाल टुट गई इस किस्म दीआं गल्लां चलदीआं संचार दा बहुत वड्डा साधन खूह हुंदा सी खूहां बारे रवायतां बारे इस साहो के पिंड बारे बाबू रजब अली बारे गल करन लई मैं हुण मिलन जा रहा पंजाबी दे इक बहुत अच्छे खोज करन वाले मनदीप होरां नूं मैं मिलदा जिहड़े ने कि कल्चर ते कला ते लोकधारा ते बहुत सोहणे खोज कीती है बहुत सोहणी रिसर्च कीती है आओ मिलदे हां डॉक्टर मनदीप होरां नूं पिंड देखिया भी जावे असल मैं पिछली गल दसदा मैं ही बुलाया सी इन्हां नूं ये दस के असी पिंड साहो के जा रहे हैं बाबू रजब अली होरां दे पिंड ते ये डॉक्टर मनदीप ने इन्होंने बहुत अच्छा काम किया खोज बहुत सोहनी की रिसर्च वर्क किया है बाबू रजब अली होर उत्ते बाबू जी बारे कुछ थोड़ा जा दसो बेसिक जा बाबू जी बारे तो मैं तो की दसना जी मालवे का जरा जरा बाबू जी का नाम लैंदा है जिन्नी उन्होंने पोएट्री बारे जी गल करिए कविता बारे गल करिए जिन्ने मालवे के रंग बाबू जी ने अपनी पोएट्री के पकड़े ने मैनू नहीं लगता है भी कोई होर शायर इतों तक पहुँच पाया जो सारे समुचे पंजाबी साहित्य गल करिए बिना शक वारिस शाह का नाम पहले नंबर पर है मालवे जो गल करिए बिना शक पहले नंबर पर बाबू जी का अच्छा की कारण है कि जो कविशरी रंग हैगा वो मालवे तक ही महदूद आ बाकी कविशरी रंग दुआबे माझे च उन्ना नहीं पन पिया कि यह मालवे की ही कोई खासियत है जो उसकी कला दे गाउण का रंग इदा का उसकी शैली इदा की है कि कविशरी मालवे की ही मकबूल ज़्यादा हुई नहीं जितों तक मैं लगता है भी जिहड़ा मालवे के लोगों का एक अपना ही सुभाव है कला सुभा ही नहीं उन्हों का उन्होंने हर चीज़ बखरी है पंजाबी सभ्याचार बखरी बाकिया के नालों जी सभ्याचारक जो नुहार है बिल्कुल दूसरे ना छेती छेती मेल खाती ही नहीं सर जो इतिहास में फरोलीए तो बड़िया चीज़ा ने कुछ अणसुखामिया भी ने मतलब उन्होंने याद करना भी कई बार ऐसा लगता भी ना ही याद करिए मान लो संताली की वंड ली संताली की वंड ने बाबू जी ने साडे तो खोया एक किस्म ना बाबू रजब अली होर जिन्ना दुख दे नाल जुड़िया जा बिरहा दे नाल जुड़िया लिटरेचर है वह शायद उधर जाके सिर जा गया बाबू जी का जिहड़ा मुहब्बत सी इन्हां पिंड नाल इस पिंड दीआं गलियां नाल जां सारे मालवे दे लोकां नाल जिन्हां ने प्यार जिंदगी दे विच कमाया ते लुटाया सारी उम्र उहदे विच जिहड़ा सब तो वड्डा मोड़ आया है वह 1947 दी वंड तो पिछों है जदों बाबू जी इत्थों तुर गए चले गए सदा लई विदा होए ने पिंड छड्ड के जाणा यह लगता हुंदा जिवें इक ऐसी प्यार दी दास्तां है जिहड़ी प्यार परवान नहीं चढ़िया अधूरा रह गया उस अधूरे दे विचो जिहड़ी तड़फ निकली है रांझे नूं हीर छड्ड गई होवे है छड्ड गई होवे जिहड़ी ओह तड़फ निकली है जिहड़ी मुहब्बत बहुत है गलियां नूं शगिरदां नूं इहने चेलियां नूं इन्ना प्यार करदा ने रांझे ने हीर नूं नहीं कीता होणा नहीं कीता होणा लगदा हुंदा भी असीं भी साडे आसे पासे भी साडा टीचर साडा बुद्धिजीवी वर्ग साडे यूनिवर्सिटियां साडे संस्थावां भी किते दरियांत कर जांदियां ने इक पक्षपात कर जांदियां ने क्योंकि बाबू जी दी इन्नी विशाल रचना साड़ी मैनू लगता कि अज्ज के एपीसोड दे विच शायद बाबू जी सारे एपीसोड दे विच बाबू जी ने क्योंकि असीं उन्हां दे पिंड घूम रहे इन्नी विशाल रचना नूं असीं कदम साइड ते किवें कर लैंदे उत्तर तां मुश्किल है इहदा पर किते ना किते तुहाडे जिहड़ा प्रश्न उहदे विच इहदा उत्तर है भी जिहड़ियां चीज़ां दे विच कोई रचना दे विच कोई जान हुंदी है उहनां च कोई गल हुंदी है वो ज़्यादातर लुकिया नहीं रह सकदियां समय की सियासत उन्होंने जिन्ना मर्जी वड्डा ध्रोह कमा दे पर उन्होंने एक दिन एक दिन चमक पैना अच्छा चलो कल्चर विरासत में सारिया चीज़ों में मैं सिर्फ थोड़ी देर ली साइड करके जो कहाँ एक नवे जमाने का मुंडा डॉक्टर मनदीप मतलब बाबू जी रचना नाल इन्ना पैशनेटली जुड़ गया इन्ना जनून नाल जुड़ गया लगता भी यार लुत्फ पाँदा है इन्हों की रचना चो ता कि नज़ारा आया तो मैं जुड़िया है ज भी मैं जुड़ने मैं मैं लगता नहीं कि घाटा पाया इदा ख्याल रेंदे ने जहन च नहीं नहीं इस तरह नहीं मैं देखता जी जे मैं कहाँ भी मेरे जुड़न करके कोई वाला बड़ी है तो बहुत छोटी जी गल होएगी बाबू जी की रचना कोई भी पढ़ेगा खास करके जो जिसने इस मालवे के जीवन जीवन जात में ज्योया है देखा है माणिया है उन्होंने
किते ना किते वो चीज़ उस तरह पई मिलती है लिटरेचर दे विचों उन्नी प्योरिटी दे नाल कोई फिल्म बनाउण दा तुहाडे ज़ेहन च प्रोजेक्ट हैगा? हाँ, मेरे मन च है जी इस तरह। हाँ। मैं थोड़ा जा इमोशनल तो हाँ ही इस मसले नूं लैके। हाँ। पर मैं चाहुंदा सी कि बाबू जी की जो रचना है जां जिन्नी उन्हां दी जिड्डी वड्डी देण है जिहड़ी तुसीं पिछे गल कीती वी ओह इग्नोर होए ने सारी चीज़ दे विच, उहनूं इक वारी दुनिया दे सामने रखिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके जी, ओके, धन्यवाद। मैनूं लगदा अजे साडा एपीसोड खत्म नहीं होया। मैनू किसी ने बुलाया कुछ खाण पीन की चीज़ ली, मैं उत्थे खाण पीन जा रहा और देखते हैं वो चीज़ बनती भी किमें है। कुछ रवायती प्रोग्राम का हिस्सा भी है। मैं तो कड़ा खा रहा और तुसी अज प्रोग्राम देखा, तुसी भी अपना कुछ खाओ। तो मैं हुण तुहाडे तों इजाजत लैना। तुहानू अज दा एपीसोड किहो जिहा लग्या? मैनूं ते कड़ा वर्गा लग्या। तुहानू किहो जिहा लग्या तो सानू लाजमी तौर पर लिखो। अगले हफ्ते मिलांगे होर थां ते होर पिंड दे विच मिट्टी दी महक। उद तक मैनूं बलविंद नूं दिओ इजाजत। रब रखा।